जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित लोक देवता का मंदिर यानी कि रामदेवराम मंदिर की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप रामदेवराम दर्शन करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको रामदेवराम कैसे पहुंचना है, रामदेवराम हमको कब आना चाहिए और रामदेवराम में हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, रामदेवराम में ठहरने की क्या व्यवस्था है, रामदेवराम में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ रामदेव बाबा के दर्शन करने के पश्चात हमको और कौन कौन से छोटे छोटे दर्शनीय स्थल पे भ्रमण करना है। और वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि रामदेवराम को घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको हमारे लोक देवता यानी कि रामदेव बाबा जी के दर्शन करने के लिए काफी सहूलियत मिले, साथ ही साथ आप भीड़ से भी बचे और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं सबसे पहली बात कि आपको रामदेवराम कैसे पहुंचना है। दोस्तों, रामदेवराम पहुंचने के लिए आपके पास तीन मुख्य मार्ग है। पहले मार्ग की अगर मैं बात करूं, वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो तो है रामदेवरा ही, लेकिन अगर आपको रामदेवरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो फिर आप आ सकते हैं जोधपुर के रेलवे स्टेशन और वहाँ से आप बाई बस के माध्यम से या फिर वहाँ पे आप ऑटो टैक्सी के माध्यम से रामदेवरा पहुँच सकते हैं। हालांकि दोस्तों, जो रामदेवरा है वो आपके जैसलमेर जिले के अंदर पोखरण तहसील के अंतर्गत रामदेवरा पड़ता है, लेकिन कुछ टूरिस्ट जैसलमेर घूमने के पश्चात भी रामदेवरा को जरूर कवर करते हैं, क्योंकि जैसलमेर से जो रामदेवरा की दूरी है वो आपकी 118 किलोमीटर की है। तो या तो आप चाहे तो जैसलमेर से आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं या नहीं तो आप बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम दूसरे मुख्य मार्ग की बात करते हैं, वो है आपका बाई बस। दोस्तों, अगर आप बस से आना चाहते हैं या फिर अगर आपका माध्यम बाई रोड है तो अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है तब तो अति उत्तम, अन्यथा आप चाहें तो बस के माध्यम से भी आप डायरेक्ट रामदेवरा तक पहुंच सकते हैं। आपको बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, दिल्ली, इन सभी बड़े बड़े शहरों से आपको डायरेक्ट रामदेवरा के लिए आपको बसेस देखने को मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो बस के माध्यम से आप रामदेवरा पहुंच कर आप रामदेव बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। और तीसरे माध्यम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका फ्लाइट से। दोस्तों, रामदेवरा पहुंचने के लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका जोधपुर। आप आ जाइए, क्योंकि जोधपुर से आपको कनेक्टिविटी बहुत सारी फ्लाइटों की मिल जाएगी। तो आप जोधपुर आइए, टैक्सी ऑटो के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं बाबा जी के दरबार यानी कि रामदेवरा। चलिए दोस्तों, हम रामदेवरा पहुंच चुके हैं, अब बात करते हैं कि हमको रामदेवरा में रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, रामदेवरा हालांकि ज्यादा बड़ा सिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ठहरने के लिए आपको बहुत सारी सस्ते सस्ते ऑप्शन मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे सस्ते ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका धर्मशाला। दोस्तों, रामदेवरा मंदिर के आसपास वहाँ पे आपको बहुत सारे धर्मशाले देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपका 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए इस तरीके से आपको एक रूम का किराया पड़ेगा। तो आप चाहे तो वहाँ स्टे ले सकते हैं, अन्यथा आप चाहे तो वहाँ पे आपको होटल्स भी देखने को मिल जाएंगे। ज्यादा लग्जरियस होटल तो आपको नहीं मिलेंगे, पर आपको एक मॉडरेट होटल भली भांति आपको कम दाम में यानी कि 600-700 रुपए में भी आपको होटल वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ अपना स्टे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमको रामदेवरा में कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और हमको रामदेवरा आना कब चाहिए। दोस्तों, रामदेवरा बेसिकली एक दिन के लिए पर्याप्त है, तो आप आराम से रामदेव जी के दर्शन करके आप प्रस्थान कर सकते हैं अपने अपने शहरों के लिए। लेकिन अगर आप पीक सीजन पे आ रहे हैं, अभी हालांकि वीडियो में आपको बताऊंगा कि रामदेवरा में जो मेला लगता है वो सबसे भव्य मेला किस समय पे लगता है, तो अगर आप उस समय पे आ रहे हैं तब आपको एक रात रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आप सभी चीजें को एक दिन में कवर नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं यानी कि अगर आप मेले वाले पर्व पे नहीं आते हैं तो आप सुबह पहुंचकर आप शाम को अपनी अपनी रवानगी ले सकते हैं। एक दिन आपके लिए रामदेवरा एक्सप्लोर करने के लिए काफी है, क्योंकि वहाँ पे आसपास बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो, और जो आपका मुख्य मंदिर है यानी कि रामदेव जी के दर्शन करके आप अपने अपने शहरों के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ ये भी बात कर लेते हैं कि हमको रामदेवरा आना कब चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान कहने से ही यानी कि गर्मी में आप बिल्कुल विजिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक गर्मी होती है। तो जो गैर राजस्थानी निवासी हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि वहाँ की गर्मी हम सभी को असहनी लगती है, क्योंकि हम रहते हैं मध्य क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में या दक्षिणी क्षेत्र में। तो दोस्तों, जो सबसे अच्छा समय है वो है आपका विंटर का, यानी कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक में आप रामदेवरा घूमने जा सकते हैं। इस सीजन में आपको ना ही भीड़ देखने को मिलेगी, ना ही इस समय पे कोई मेला लगता है, और हमारे लोक देवता यानी कि रामदेव जी के दर्शन भी बहुत ही कम समय पे हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रामदेवरा जाने का योजना बना रहे हैं तो आप विंटर के समय पे रामदेवरा जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि रामदेवरा का सबसे भव्य मेला कौन से समय पे लगता है। दोस्तों, भाद्र महीने में यानी कि अगस्त से सितंबर महीने में आपको रामदेवरा में एक बहुत ही भव्य मेला देखने को मिलेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, इस मेले के दरमियान अगर आप जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा। 4-5 घंटे लगते हैं आपको लाइन में दर्शन करने के लिए, और साथ ही साथ और भी जो छोटे छोटे दर्शनीय स्थल है वहाँ पे भी आपको काफी ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज्यादा पैमाने पर होती है। यहाँ पे बाबा जी के दरबार भी काफी शानदार तरीके से सजाया जाता है, और भी पूरे रामदेवरा शहर को इस भाद्र माह में मेले के दरमियान पूरे शहर को अनेक लाइटों के द्वारा सजाया जाता है। तो उस समय पे यानी कि मेले के समय पे तो यहाँ का माहौल काफी ज्यादा शानदार हो जाता है। दोस्तों, रामदेवरा मेले के दरमियान यहाँ पे आपको अनेक राज्यों से लोग पैदल भी दर्शन करने आते हैं, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, अनेक राज्यों से यहाँ पे पैदल श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। तो जो पैदल दर्शनार्थी होते हैं दोस्तों, उनके लिए जगह जगह पे रुकने की व्यवस्था, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सरकार द्वारा, और साथ ही साथ जो निजी समाज सेवक द्वारा ये सारी चीज
चीजों का टेंट लगाकर श्रद्धालुओं के लिए ये सारी सुविधाएं दी जाती है। चलिए दोस्तों, प्रस्थान करते हैं हम रामदेव जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट आधे घंटे के अंदर आप दर्शन करके बाहर आ जाएंगे रामदेव जी के। और वही अगर आप मेले के समय पे आते हैं या फिर अगर पीक टाइम पे आते हैं तो फिर आपको लगभग 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटे भी आपको कतार में लगे रहना पड़ जाएगा। तो दोस्तों प्रस्थान कीजिए, रामदेव बाबा जी के नारे लगाते हुए आप मंदिर में प्रवेश करिए, यहाँ पे उनके चरण पादों का दर्शन कीजिए और मंदिर परिसर में ही आप और भी अनेक छोटे छोटे मंदिर है वहाँ भी दर्शन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक सबसे मुख्य चीज है वो आप करना ना भूले, जो की है आपका यहाँ पे नगाड़ा, जिसको हाजरी भी बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा हाजरी देखने को मिलेगा जो की एक नगाड़ा है और ये 600 साल पुराना ये नगाड़ा यहाँ पे रखा हुआ है। तो श्रद्धालु को यहाँ पे अपने जोर से ध्वनि उत्पन्न करके अपनी हाजरी रामदेव जी के यहाँ दरबार में लगानी है, तो आप यहाँ पे इस चीज को भी करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों प्रस्थान करते हैं, और भी छोटे छोटे वहाँ पे कौन कौन से दर्शनीय स्थल है उसकी बात कर लेते हैं। तो रामदेवरा में ही वहाँ पे है डालीबाई की समाधि, जो कि रामदेव जी की मुंह बोली बहन लगती थी। तो दोस्तों आप वहाँ भी जाइए, उनके भी दर्शन कीजिए और उन्हीं के समाधि के पास में एक बना हुआ है डालीबाई का कंगन, जो कि ये पत्थर से बना हुआ है। कहा जाता है दोस्तों कि इस पत्थर के नीचे से अगर आप पार कर जाते हैं तो आपकी जो भी कष्ट होंगी, जो भी पीड़ा होंगी, वो सब दूर हो जाती है। तो एक बार आप इस डालीबाई के कंगन से भी आप जरूर पार हुई। दोस्तों रामदेव जी दर्शन करने के पश्चात आपको और आगे बढ़ना है, यहाँ पे है राम सरोवर, तो आप राम सरोवर में जाइए। यहाँ पे भी आप चाहे तो बोटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे बोटिंग की भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगी, तो आप इस राम सरोवर में बोटिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी आपका बना हुआ है रुणिचा कुआ, तो आप रुणिचा कुआ भी जाइए। भैरव राक्षस गुफा है वहाँ भी जाइए। परशुराम जैन मंदिर यहाँ भी जाके दर्शन कीजिए, मंत्र टेकिए। कैलाश टेकरी है यहाँ भी जाइए। और सबसे लास्ट में आपको जाना है जो कि रामदेवरा से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक पोखरण फोर्ट। दोस्तों आप पोखरण फोर्ट भी जाइए। इस फोर्ट के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे म्यूजियम देखने को मिलेगा। दोस्तों इस पोखरण फोर्ट में आपको एंट्री चार्ज देना पड़ेगा 50 रुपए, तो यहाँ पे जाइए, यहाँ की म्यूजियम भी देखिए और यहाँ का फोर्ट का आप एक ऊपरी दृश्य देख सकते हैं यहाँ के रूफ में जाके। आप पोखरण फोर्ट में कुछ समय बिताइए। पोखरण में दोस्तों एक पोखरण गुरुद्वारा है, तो वहाँ भी जाइए। वहाँ के लंगर में आप जरूर भोजन ग्रहण कीजिएगा, ये भी गुरुद्वारा काफी शानदार है, तो यहाँ भी आप जाइए और आप ये सभी चीजों को विजिट करने के पश्चात आप अपनी अपनी वापसी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं और अंतिम बात करते हैं कि हमको रामदेवरा घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक दिन का अगर आप स्टे लेते हैं और आप भोजन वहाँ के आसपास के रेस्टोरेंट, छोटे मोटे भोजनालय, ढाबे में अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपको ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। आपको मान के चलिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1200 से 1500 रुपए में आप रामदेवरा के सभी दर्शन स्थल को घूम लेंगे। दोस्तों इस फेयर में मैंने किसी भी तरीके की आपकी ट्रेन की टिकट, बस की टिकट और आपके फ्लाइट की टिकट इंक्लूड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने केवल और केवल आपके होटल के खर्चे, आपके जो भोजन के लगेंगे वो, और जो भी आप वहाँ पे ऑटो पकड़ के या जीप पकड़ के आप जो लोकल साइट सीइंग करेंगे उसके कॉस्ट को अगर जोड़ा जाए तो आप मान के चलिए कि आपका 1200 से 1500 रुपए एक व्यक्ति का आएगा और आप पूरे लोक देवता का मंदिर यानी कि रामदेवरा राजस्थान घूम लेंगे। तो दोस्तों ये था आपका रामदेवरा जैसलमेर का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो मुझसे पूछिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नई विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, आपकी यात्रा मंगलमय हो।